तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, बिहार विधान परिषद की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है और बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर 07/2019 यानी कार्यालय प्रचारी का अंतिम परीक्षा फल यहाँ पर सूचित कर दिया गया है। अंतिम परीक्षा फल निकाल दिया गया है, साथ में आपको एक आवश्यक सूचना भी दी गई है। तो सबसे पहले मैं अंतिम परीक्षा फल के बारे में बात करूंगा। कुछ इस तरह से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 07/2019 कार्यालय प्रचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम परीक्षा फल। जी हाँ फ्रेंड्स, 96 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 21/12/2020 से 29/1/2021 तक आयोजित इंटरव्यू परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार नियुक्ति हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके मध्याक्रम अनुसार अंतिम रूप से निम्नवत सफल घोषित किया जाता है। उनका रोल नंबर कुछ इस तरह से दिया गया है, और आरक्षित कोटि का सबसे पहले दिया गया, फिर अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजात का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का है, पिछड़ा वर्ग का है, पिछड़े वर्ग की महिला कोटि का है। सफल सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय में होगा, जिसकी सूचना अलग से बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 07/2019 विज्ञापन संख्या जो दी गई है, कार्यालय प्रचारी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हो, अंतिम परीक्षा फल यहाँ पर आप लोगों का घोषित कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर आवश्यक सूचना वाली नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ, और आप देख पा रहे हैं मैंने क्लिक कर दिया है और पहले से डाउनलोड किया है, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लूँगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि 07/2019 के आलोक में संदेशवाहक मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय प्रचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हुई, तो अंतिम परीक्षा फल बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अंतिम परीक्षा फल में सफल सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक 27/8/2021 को शुक्रवार 10 बजे पूर्वाहन में होगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्वाहन में किया जाएगा 27/8/2021 शुक्रवार को 10 बजे से साढ़े निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उक्त संस्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे, वो कागजात कौन कौन से हैं? ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो डाउनलोड किए होंगे, फॉर्म जो भरे होंगे उसका कॉपी, और प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड की कॉपी, और सभी परीक्षार्थी अपना पहचान पत्र मूल प्रति यथा मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका एक फोटो युक्त क्या है कि प्रूफ होना चाहिए, और 4 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित सया प्रति यानी कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपी होनी चाहिए जिसपे आपके नीचे सिग्नेचर होने चाहिए, खुद के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि की दावा किया गया था यानी कि आप SC हैं या ST हैं, आपने आरक्षण का दावा किया था, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। EWS का अगर लगाया था तो आपको EWS वाला सर्टिफिकेट देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास डोमेस्टाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी होंगी। सभी अभ्यर्थियों को कोरोना का पालन करना होगा, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। दोनों का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में आप सर्च करें एके ऑनलाइन पॉइंट, आपको यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, और नीचे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाएगी। लगभग 3000 मेंबर्स हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाएं और डेली जॉब्स अपडेट लें, फ़ायदा उठाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।